पहले तो मनुष्य शरीर ही करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, वो मिल भी जाए तो मार्ग बताने वाला बड़े भाग्य से मिलता है, वो भी मिल जाए तो हम उससे मिलें, उस पर श्रद्धा करें, यह भी बहुत दुर्लभ है। ये सब बनाव बन भी जाए और हमको पता हो जाए कल्याण किस में है, हमने अब तक क्या किया, क्यों नहीं कल्याण किया, तो भी एक दोष है हम लोगों में कि परमार्थ को उधार कर देते हैं, कर लेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, रिटायर होंगे जब ना, बूढ़े होंगे तो बस यही करेंगे। वेद कहता है न श्वाश्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद, उधार मत करो, करेंगे करेंगे ये मत बोलो, मत सोचो। रोज देख रहे हो कि किसी के जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगला क्षण मिले न मिले, मानव देह छिन जाए, करोड़ों बच्चे डेली मर रहे हैं, करोड़ों जवान मर रहे हैं, फिर हम बुढ़ापे के लिए उधार करते हैं क्यों? ये बहुत बड़ा दोष है। गलत काम तुरंत करते हैं, संसारी काम तुरंत करते हैं, पंचुअलिटी से करते हैं। ट्रेन 7 बजे जाएगी, 6:30 बजे पहुंच जाओ। कभी ऐसी गलती नहीं किया कि 7:30 बजे जाएगी तो 7:31 पर पहुंचो। संसार में सर्वत्र बड़े सावधान रहे, सड़क पर चलते हैं उधर से भी सवारियां आ रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, लफंगे गुंडे भी चल रहे हैं, सबसे सावधान होकर पार कर गए शहर, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ। संसार में हर जगह हम सावधान रहते हैं, और जहां परमार्थ का मामला आया, उधार कर लेंगे। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था, राम ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ रावण के पैर की तरफ खड़े होकर उपदेश लो। चारों वेदों का विद्वान था रावण, तो उसने कहा लक्ष्मण
अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना। आज ये गलत काम करना है, नहीं अब आज नहीं, कल करेंगे। तो हो सकता है कि कल भावना बदल जाए और हम गलत काम से बच जाएं, और आज हमारी अच्छी भावना है परमार्थ करने की, भगवान में मन लगाने की, धन से दान करने की, और कह दिया कल करेंगे। पहली बात तो कल आवे ना आवे, और अगर आया भी तो ये वर्तमान भावना कल भी बनी रहेगी, कोई गारंटी नहीं। ये इतना बदमाश है मन, एक मिनट में बदल जाता है। अरे मिनट भी नहीं, क्षण माया तिपातालम, क्षणम याति नभस्थलम, महोपनिषद। इसलिए उधार नहीं करना है परमार्थ में, संसारी मामले में उधार अवश्य करना है, फिर कर लेंगे। और मन को सदा दुश्मन माने रहना है, ये दूसरी गलती है हमारी। हम मन को दोस्त मानते हैं, मन कर रहा है सो जाऊं, मन कर रहा है इस समय रसगुल्ला खाऊं, मन कर रहा है, मन कर रहा है वो ना मानो। तुम भी जिद कर लो कि मन जो करेगा कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। देखो ये बंदर होता है ना, बड़ा चंचल होता है, इसको नचाते हैं मदारी लोग। कैसे? पहले उसको 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, उसी में उछलता है वो। 50 फुट के आगे जब भागना चाहता है तो गले में दर्द होता है वो रस्सी से। जब बार बार वो दर्द होता है तो कहता है अब कौन भागे, इसी 50 फुट में कूदेंगे अपन। वो तो कूदने का नेचर है उसका। तो जब वो देख लेता है मदारी कि 1 हफ्ते हो गए अब ये आगे नहीं भागने की कोशिश कर रहा है, तो 25 फुट की रस्सी कर देता है। अब वो 50 फुट जाने की कोशिश करता है, फिर वही मुसीबत, तब उसको 10 फुट की रस्सी कर देता है। आखिर में जब 1 फुट की रस्सी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है, फिर उसको सिखाता है, ए चल बंदरिया से ब्याह कर, ए चल ढोल बजा। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे वो करता जाता है, क्योंकि वो जानता है ऐसा नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। ऐसे ही ये मन है। यूनान में एक भिखारी संत था, डायोजिनीज, तो पत्थर की मूर्ति के आगे खड़ा होके भीख मांगता था, 2 रोटी दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करेंगे। अब भला मूर्ति क्या दे देगी रोटी? लोग देखे तो कहे ये तो पागल हो गया,
इतना बड़ा फकीर, मशहूर और विद्वान भी, और ये देखो तो क्या कर रहा है। तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा, अरे आप क्या कर रहे हैं ये? उन्होंने कहा, क्या करें, जब दुनिया वालों के पास जाते हैं दो रोटी मांगने तो वो इधर मुंह करके चल देते हैं तो बुरा लगता है, या कोई कह देता है, हाथ से इशारा कर देता है, आगे जा, तो इस मूर्ति से मांग रहे हैं कि ये दे ना, अरे देगी क्या, फिर भी फीलिंग ना हो, ये अभ्यास हो जाए, तो फिर जब दुनिया वाले कुछ न दे भिक्षा तो फीलिंग ना हो, क्रोध ना आवे, उसको देखकर गुस्सा ना आवे, देखो कार में जा रहा है और ये चार पैसा नहीं देता, ये गाली की भावना जो भीतर से होती है भिखारियों की, वो सामने नहीं बोलते भीतर से होती है गाली दे करके, देखो साले को कार में चल रहा है 1 करोड़ की, एक पैसा नहीं दिया, इतनी देर मांगते रहे, तो क्रोध आया, नुकसान हुआ अपना, तो अपना नुकसान नहीं करना है, इसलिए मन को दुश्मन मानना है, उधार नहीं करना है, ये दो बात याद रखना।